सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमर, हाजिर हूं फिर से एक नया वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर हम ऑफिशियल व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, जीबी व्हाट्सअप यूज़ करते हैं या व्हाट्सअप एरो यूज़ करते हैं, अगर हमें इनके मैसेजेस को ऑटो रिप्लाई पर सेट करना हो तो कैसे करेंगे। एक बार मैं अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं दो अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। एक पे मैंने यहाँ पर जीबी व्हाट्सअप यूज़ किया हुआ है। एक बार मैं आपके सामने ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाई देता है ये मेरे फ़ोन पर जीबी व्हाट्सअप इंस्टॉल है। मैं थ्री डॉट्स पर क्लिक करता हूँ और एक बार आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे जीबी सेटिंग्स आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जीबी व्हाट्सअप है। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद मैं आपको अगला एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पर एक व्हाट्सअप का आइकन देखेंगे, थोड़ा डिफरेंट लुक है। जब मैं इसको टैग करूँगा, टैग करके ओपन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। और जब मैं थ्री डॉट्स पर क्लिक करता हूँ तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है एरो प्रिविलेजेस का, आप इस पर टैग करिए। और नीचे आप अबाउट पे चले जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एरो व्हाट्सअप इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जिसका लेटेस्ट वर्जन 8.80 है। यहाँ पर ये दोनों ही एप्लीकेशंस मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इनके मैसेजेस को हमें ऑटो शेड्यूल करना है सकते हैं, तो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले एक चीज़ जो हमें देखने वाली ये है कि पहले क्या था, जीबी व्हाट्सअप पे ये ऑटोमेटिक इनबिल्ट फीचर था। जीबी व्हाट्सअप पे हम ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते थे, पहले से फीचर अवेलेबल था। लेकिन लेटेस्ट अपडेट में क्या हुआ है, अब जीबी व्हाट्सअप में ये फीचर हटा दिया गया है। अब अगर आपको जीबी व्हाट्सअप के मैसेजेस को ऑटो रिप्लाई सेट करना है, या आपको एरो व्हाट्सअप के मैसेजेस को ऑटो रिप्लाई सेट करना है, या व्हाट्सअप के मैसेजेस को ऑटो रिप्लाई सेट करना है, तो वो ऐसे सेट नहीं होंगे। फिर हमें करना क्या होगा, कैसे हम ये सारा चीज़ कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए, उसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है। आपको काम ये करना है कि आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स पर टाइप करना है ऑटो रिस्पॉन्डर। आपको ऑटो रिस्पॉन्डर टाइप करके सर्च करना है। जैसे आप ऑटो रिस्पॉन्डर टाइप करके सर्च करेंगे, आपको सर्च आइकन पे देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, तकरीबन 8.5 MB का ये एप्लीकेशन है, 4.6 की है स्टार रेटिंग। आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हुए इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। ये एक ऑटो रिस्पॉन्डर बॉट है, इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने जीबी व्हाट्सअप के मैसेजेस को, व्हाट्सअप के मैसेजेस को, FM व्हाट्सअप, यो व्हाट्सअप, जो भी आप यूज़ करते हैं, सारे के सारे एप्लीकेशन पे आप ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं। एक बार मैं एक ही एप्लीकेशन से दोनों आपको सेट करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में दो एप्लीकेशन इंस्टॉल है। अब दोनों एप्लीकेशन में कोई भी मुझे मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ऑटो रिप्लाई चला जाएगा। आप देखेंगे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। जैसे मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो मुझे कुछ बेसिक सी परमिशन दे देनी है। मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूँगा, पहला काम क्या होगा, मुझे नोटिफिकेशन एक्सेस में ऑटो रिस्पॉन्डर को इनेबल कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे हम, 3, 2, 1 एंड देन आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और आपको बैक चले जाना है। इसके बाद आप बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अगला काम आपको करना है प्लस बटन पे हिट। और जैसे आप प्लस बटन पे हिट करेंगे तो आपको ऊपर यहाँ पर रिकॉर्ड करना है क्या मैसेज रहेगा और आप उसका क्या आंसर करेंगे। सपोज कोई पूछता है हेलो, तो मैं सिमिलर मैच में यहाँ पे टैग करता हूँ। टैग करने के बाद मुझे क्या आंसर करना है, यहाँ पे मैं नीचे आंसर करूँगा। यानी कोई हेलो बोलेगा तो मैं उसको क्या आंसर करूँगा, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ हाय, हाउ आर यू डूइंग। इसके बाद यहाँ पर आपको 1 पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। चूंकि ये फ्री एप्लीकेशन है, थोड़े बहुत एड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको एड्स को अवॉइड करना है। यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और कट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मैसेज रिकॉर्ड हो गया है। अब मुझे कोई भी हेलो करेगा तो ऑटोमेटिक हाय हाउ यू डूइंग ये मैसेज अपने मन से चला जाएगा। चलिए एक बार चेक करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखे हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक एप्लीकेशन जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको जीबी है और दूसरा है ओरियो व्हाट्सअप। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जीबी से दूसरे वाले पे सेंड करता हूँ पहले मैसेज और देखता हूँ क्या दूसरे वाले मैसेज से ऑटो रिप्लाई आता है कि नहीं आता। तो मैं जीबी व्हाट्सअप को ओपन करता हूँ और जो दूसरा नंबर था हमारा उस पर मैं यहाँ से अपने मन से कोई भी मैसेज भेजता हूँ, हेलो मुझे टाइप करना है। और जैसे मैं सेंड करूँगा, देखते हैं मैसेज सेंड हो गया है यहाँ से। अभी तक वहाँ पर डिलीवर नहीं हुआ आई गेस। जब ये मैसेज डिलीवर हो जाएगा एक बार देखते हैं, डेटा ऑन है हमारा, डेटा तो ऑन है। देखिए मैसेज वहाँ पर डिलीवर हुआ है, थोड़ा नेटवर्क स्लो था और मुझे वहाँ से ऑटोमेटिकली रिप्लाई आया है हाय हाउ यू डूइंग। एक बार मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ। बंद करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपने दूसरे एप्लीकेशन यानी कि एरो व्हाट्सअप को मैं ओपन करता हूँ, जहाँ पे मैंने, चूंकि दोनों जगह पे काम करने वाला है, तो मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल करके नीचे चलाता हूँ, अपना दूसरा एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। और दूसरे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद मुझे वही कॉन्टैक्ट नंबर पर क्लिक करके और मुझे फिर से सेम मैसेज टाइप करके भेजना है और मुझे देखना है क्या वहाँ से रिप्लाई आता है या नहीं आता।
तो मैंने यहाँ से सेंड कर दिया है। अब आप देखेंगे जैसे यहाँ से सेंड हुआ ऑटोमेटिक वहाँ से रिप्लाई आ गया है। तो एक एप्लीकेशन है, यहाँ से हमने एक एप्लीकेशन के थ्रू दो दो एप्लीकेशन को कंट्रोल किया है। एप्लीकेशन के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप अपने जीबी व्हाट्सएप के मैसेजेस को, ओरियो व्हाट्सएप के मैसेजेस को, एफएम व्हाट्सएप के मैसेजेस को, या यू व्हाट्सएप के मैसेजेस को ऑटो रिप्लाई पे सेट कर सकते हैं। तो हम श्योर चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो मैंने आपको बताया कि आप कैसे जीबी व्हाट्सएप के मैसेजेस को ऑटो रिप्लाई, एफएम व्हाट्सएप के मैसेजेस को ऑटो रिप्लाई पे सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।